हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। टाटा नेक्सॉन की सफलता के बाद अब टाटा इंडिया में अपनी एक और नई कार लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम टाटा हैरियर है। इस गाड़ी को साल के शुरुआत में हुए ऑटो एक्सपो में लोगों के सामने अनवील किया था। इस गाड़ी का नाम पहले टाटा H5X रखा था, जो अब टाटा ने बदलकर हैरियर कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में टोयोटा की हैरियर नाम से एक गाड़ी पहले से है। साइज की बात करें तो टाटा हैरियर कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में बिलोंग करती है, पर इसका साइज इस सेगमेंट में चल रही गाड़ियों जैसे क्रेटा और जीप कंपस से भी बड़ा है। साइज के मामले में टाटा हैरियर का दूसरा 7-सीटर वेरिएंट लैंड रोवर की डिस्कवरी को टक्कर देगी। इंजन की बात करें तो टाटा हैरियर में हमें जीप कंपस की ही तरह 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो इस गाड़ी को 173 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क देता है। पेट्रोल इंजन के बारे में टाटा ने अभी कोई बात नहीं करी है। लॉन्चर प्राइस की बात करें तो टाटा आने वाले हफ्तों में कभी भी इस गाड़ी की अनाउंसमेंट कर सकती है, और इसकी प्राइस टाटा 12 से 16 लाख के बीच में रखेगी। टाटा हैरियर कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट को बिलोंग करती है, इसलिए ये ह्यूंडई क्रेटा, जीप कंपस और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसे गाड़ियों को टक्कर देगी। पर इसका दूसरा 7-सीटर वेरिएंट, जिसका नाम भी अनवील नहीं हुआ है, जो इसके अपने सिबलिंग हेक्सा और XUV500 को टक्कर देगी।